कोई नहीं किया। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कल हमने व्याकरण का पार्ट एक पढ़ा था, हाँ उसमें हमने होमवर्क भी दिया था, तो आप लोगों ने होमवर्क किया था? हाँ ठीक है, आज हम सुनहरी धूप का पार्ट दो शुरू करेंगे। आपकी पाठ्य पुस्तक है सुनहरी धूप, उसका पार्ट दो शुरू करेंगे। पार्ट एक तो पूरा हो गया ना, सबने किया है, हाँ तो हम आज पार्ट दो शुरू करेंगे। पार्ट दो का क्या नाम है? अपना घर है सबको प्यारा। प्यारा है ना, सबको अपने अपने घर में अच्छा लगता है ना, हाँ ऐसे ही इस पार्ट का शीर्षक है अपना घर है सबको प्यारा। हम सभी अपने घर में रहना चाहते हैं, हम सभी को अपना घर प्यारा लगता है। आजकल तो सभी लोग अपने अपने घरों में बंद हैं ना, हाँ तो ये पाठ भी हमारा अपना घर है सबको प्यारा। तो इसकी सबसे पहले हम लोग रीडिंग करेंगे, पाठ को पढ़ेंगे। क्या है पाठ? एक दिन मैं सड़क पर जा रही थी, मैंने वहाँ एक मेंढक देखा। क्या देखा? मेंढक। मैंने उसे पकड़ लिया, मैं उसे अपने साथ ले आई। किसने पकड़ लिया? एक लड़की है, वो जा रही थी सड़क पर, तो उसको रास्ते में एक मेंढक मिला तो उसने उसको पकड़ लिया। मैंने उसे पिंजरे में डाल दिया। कहाँ डाल दिया? पिंजरे में। उस लड़की ने उस मेंढक को पिंजरे में डाल दिया। मेंढक टर टर करने लगा, चिल्लाने लगा बेचारा, क्योंकि बंद हो गया था, वो तो खुला घूम रहा था सड़क पर, है ना। तो उसको पिंजरे में डाल दिया उस लड़की ने, तो पिंजरे में बंद होकर के वो मेंढक टर टर चिल्लाने लगा। मेंढक पिंजरे के अंदर फुदकने लगा, कूदने लगा, उछलने कूदने लगा। मैं पिंजरे के ऊपर बैठ गई। वो लड़की कहाँ बैठ गई? पिंजरे के ऊपर बैठ गई। मैं बाग में घूम रही थी, फिर वो पिंजरे के ऊपर बैठ गई थोड़ी देर, फिर वो छोड़ के वहाँ से चली गई, बगिया में चली गई। मैं बाग में घूम रही थी, तभी मैंने एक रंग बिरंगी तितली को देखा। किसको देखा? एक तितली को, रंग बिरंगी तितली को। मैं उसके पीछे भागी, वो लड़की उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे भागी। तितली कभी एक फूल पर तो कभी दूसरे फूल पर बैठती, तितली कभी इस फूल पर तो कभी उस फूल पर बैठती। उड़ उड़ के तितली कभी इस फूल पर बैठ जाती, बगिया थी तो वहाँ बहुत सारे फूल लगे हुए थे, और तितली कभी एक फूल पर बैठ जाती तो कभी दूसरे फूल पर बैठ जाती। जाली फेंकने से पहले ही वह उड़ जाती। उस लड़की ने एक जाली ले रखी थी, तितली पकड़ने वाली एक जाली लिए होती, पिक्चर में दिख रही है ना, हाँ यही जाली लिए होती। लेकिन वो लड़की जब तक जाली उसके ऊपर रखती तब तक जल्दी से वो लड़की, वो तितली दूसरे फूल पर बैठ जाती। आखिर मैंने उसे पकड़ ही लिया। जल्दी जल्दी जब उसने ऐसा किया, जाली बार बार डाली उसके ऊपर, तो आखिर में तितली उसके जाली के अंदर आ गई है, फिर उसको पकड़ लिया। मैंने उसे भी पिंजरे में डाल दिया, उस तितली को भी पिंजरे में डाल दिया। मैं बगीचे में खेल रही थी, मैंने वहाँ एक गिलहरी के बच्चे को देखा। अब उस लड़की ने क्या क्या पिंजरे के अंदर बंद कर दिया? एक तो तितली बंद कर दी, और एक क्या बंद कर दिया था? मेंढक। तो जाली के पिंजरे के अंदर दो बंद हो गए है ना, एक मेंढक बंद हो गया, एक तितली बंद हो गई। अब बगीचे में फिर खेलने लगी बच्ची। मैं बगीचे में खेल रही थी, तभी मैंने वहाँ क्या देखा? उसने एक गिलहरी का बच्चा देखा। मैंने उसे पकड़ लिया, मैं उसे अपने साथ ले आई। उस लड़की ने उस गिलहरी के बच्चे को भी पकड़ लिया और उसे पकड़ करके अपने साथ ले आई। मैंने उसे भी पिंजरे में डाल दिया। एक और पिंजरा था, तीसरा पिंजरा, उसमें लेकर उसने गिलहरी के बच्चे को भी डाल दिया। मेरा
पालतू कुत्ता उसे देखने लगा। उस बच्ची के यहाँ एक कुत्ता पाल रखा था उसने, वो कुत्ता उस गिलहरी के बच्चे को देखने लगा। पिंजरे में बंद उन सबको देखकर मुझे लगा कि वे सब उदास हैं, वे अपने घर जाना चाहते हैं। मैं कुछ देर तक बैठी सोचती रही। तीनों पिंजरे रख दिए सामने उसने और कुर्सी डालकर बैठ गई वो। और उसने देखा कि तीनों पिंजरे के अंदर बंद तो हैं बेचारे, उनको बंद कर दिया तो बंद हैं, लेकिन वो खुश नहीं, उदास लग रहे हैं। फिर उसने सोचा, मन में सोचा, वो लड़की सामने बैठी बैठी सोचती रही उनको देख करके, जानवरों को देख करके, उसको तितली को देख करके, मेंढक को और गिलहरी को देखकर सोचती रही कि ये लोग लगता है पिंजरे में बंद होकर के उदास हैं। फिर उसने अपने बारे में सोचा कि अगर मुझे कोई पिंजरे में बंद कर दे तो उसने इमेजिन किया, कल्पना की कि यदि मुझे कोई पिंजरे में बंद कर दे तो मुझे कैसा लगेगा। तो उसको बहुत गंदा लगा। मैंने उन सबको पिंजरे से आज़ाद कर दिया। उसको मन में लगा कि मेरे को पिंजरे में कोई बंद कर देगा तो मुझे बहुत गंदा लगेगा, उसी तरह इन लोगों को भी गंदा लग रहा है। इसलिए उसने, उस लड़की ने सब लोगों को पिंजरे से आज़ाद कर दिया। अब सब बहुत प्रसन्न थे। जैसे ही उस लड़की ने खोला उनको तो वो सारे जल्दी जल्दी भाग गए। तितली उड़ गई फूलों के ऊपर बैठ गई, गिलहरी चढ़ गई पेड़ के ऊपर और मेंढक भी भाग बाहर निकल गया, तो बहुत खुश नज़र आने लगे। तो लड़की को समझने आया कि ये लोग बाहर रह करके ज़्यादा खुश हैं, है ना। तो इस पाठ से हमें शिक्षा क्या मिली, पशु पक्षियों को कभी भी पिंजरे में बंद नहीं करना चाहिए। कोई भी बच्चा या कोई भी व्यक्ति बंद रहना नहीं पसंद करता, किसी को भी बंद रहना नहीं अच्छा लगता, सबको स्वतंत्रता अच्छी लगती है। इसलिए हमको भी अब मम्मी लोग या कोई कमरे में बंद कर देता तो हमको गंदा लगता है ना, हम रोने लगते हैं ना। उसी तरह से इन पशु पक्षियों को भी किसी को इसमें बंद होना नहीं अच्छा लगता, उनको पिंजरे में बंद कर दिया था तो कोई भी खुश नहीं था। इसलिए क्या हमको शिक्षा मिलती है, हमें कभी भी किसी को बांधना बंद नहीं करना चाहिए, स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है। तो ये हमने पाठ की रीडिंग की, आप लोगों को भी अब घर में ये दोबारा रीडिंग करनी है। रीडिंग करने के बाद सबसे पहले फिर कैसे करेंगे, कॉपी में कैसे लिखेंगे हम लोग, सबसे पहले पाठ का नाम लिखेंगे, डे लिखेंगे, जैसे पाठ एक में लिखा था दिनांक, दिन, पाठ का नंबर और पाठ का नाम लिखना है। उसके बाद सबसे पहले पिक्चर बनाना है। कौन सी पिक्चर बनाएंगे, कौन सी पिक्चर बनाएंगे, ये वाली पिक्चर बनाएंगे जिसमें ये बच्ची बैठी है और तीनों पिंजरे रखे हुए हैं, पिंजरों में तीनों बंद हैं, जानवर तीनों बंद हैं, है ना। तो ये वाली पिक्चर बनाएंगे और उसके बाद फिर क्या करेंगे, शब्दार्थ लिखेंगे। शब्दार्थ कैसे लिखना है, शब्दार्थ लिखना है, उसके बाद उसके नीचे एक लाइन खींचना है सीधी और एक तरफ शब्द और दूसरी तरफ अर्थ लिखना है, और शब्द की तरफ उदास, अर्थ की तरफ दुखी, शब्द की तरफ प्रसन्न, अर्थ की तरफ खुश, इस तरह से शब्दार्थ लिखना है। शब्दार्थ लिखने के बाद एक लाइन छोड़ना है, एक लाइन खींचना है, फिर उसके नीचे ये सही उत्तर पर सही का चिन्ह, ये नहीं लिखना है कॉपी में, ये केवल बुक में ही फिल कराएंगे, कॉपी में इसको नहीं लिखेंगे, ठीक है। इसको केवल बुक में फिल कराएंगे, तो आप लोग अभी बुक में फिल कर लीजिए इसको, और कॉपी में केवल
पिक्चर बनाना है और शब्दार्थ लिखना है। तो सही उत्तर चुनकर सही का चिन्ह लगाओ।